मैं किसी का कटाक्ष नहीं करना चाहूंगा। आंडा जी ने अभी सारे हमारे सीनियर लीडर्स, चाहे वो कांग्रेस से हो चाहे वो बीजेपी से हो, उन्होंने सबका यहाँ परिचय दिया। और ऐसा है, हमारी लड़ाई जो है, हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी है किसी के साथ। हमारी किसी के साथ व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई तो विचारधाराओं की है। और ये जो लड़ाई है विचारधाराओं की ही रहनी चाहिए, इसको पर्सनल लेवल पर किसी को नहीं ले जाना चाहिए। क्योंकि इलेक्शन तो एक महीने बाद खत्म हो जाएगा, फिर हमारी शादियां होंगी, ब्याह होंगे, फिर हम इकट्ठे मिलेंगे, जुलेंगे, ठीक है। तो इसको व्यक्तिगत नहीं लेके जाना, व्यक्तिगत नहीं आपने इसको बनाना है। अब मैं किसी के बारे में बोलना या कटाक्ष करना मैं पसंद ही नहीं करता हूं। जिसने जो किया वो उसकी मर्जी है, वो उसका दिमाग है, मैं इसके बारे में बोलना नहीं चाहूंगा। मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहूंगा किसी के बारे में, मैं ये बात आपके सामने रखना चाहूंगा कि अगर आपने मुझे मौका दिया पिछले 5 साल के अंदर राजा वीरभद्र सिंह जी के आशीर्वाद से, हर्ष महाजन जी की वजह से जो लोग भी मेरे पास आए, मैंने उनसे ये नहीं पूछा आप किस पार्टी से हो, आप कहां से आए हो, क्या हो, क्योंकि मैंने तो अभी तक इलेक्शन ही नहीं लड़ा था, मेरे लिए सब बराबर थे। अब मैं इलेक्शन जब लड़ूंगा तो शायद मुझे पता लगेगा कि कौन मेरे साथ है, कौन मेरे विपक्ष में है। और एक और बात है, जो मेरे साथ नहीं भी है उनको भी कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बदले की राजनीति में विश्वास नहीं करता। मैं इस राजनीति में विश्वास करता हूं, मैं इस चीज में मैं विश्वास करता हूं कि जो है, एक अंग्रेजी में कहावत है, रिस्पेक्ट इज कमांडेड, रिस्पेक्ट इज नॉट डिमांडेड। आप जो इज्जत है वो मांग नहीं सकते, इज्जत लोगों को अपने दिल से करनी चाहिए। अगर आप किसी को डराओगे, धमकाओगे कि मेरे साथ मैं आपका ये कर दूंगा, तो उससे वो आदमी आपका नहीं होगा, चलेगा वो दिन जब ऐसी राजनीति की जा सकती थी। इसलिए हर जगह मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि आप लोग चलें मेरे साथ और मेरे को आजमा के देखें, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो आशाएं आपने मेरे साथ लगाई हैं मैं उस पर खरा उतर सकूं। ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप लोग इतना समय, आप मेरे को पता है आज दिवाली का दिन है, दिवाली का दिन है, उसके बावजूद आप लोग अपने घर छोड़ के यहाँ आए, इतना बड़ा दिन है, मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। और आशा करूंगा कि आप लोग सब मेरे साथ चलेंगे और मुझे वोट करेंगे। हाथ कांग्रेस पार्टी का निशान है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे कई जगह पे शक शुबे में डाला जा रहा था, मुझे बहुत खुशी हुई कि कांग्रेस के सिपाही ऐसे हैं। क्योंकि पहले यहां से मेरे पिताजी लड़ते थे, तब भी वही लोग थे, फिर हर्ष महाजन जी आए तब भी वही लोग थे, फिर नैयर साहब आए तब भी वही लोग थे, और अब मैं आया तब भी वही लोग हैं। इससे अच्छी बात हो सकती है? इससे तो मेरा जो है मनोबल जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर कहीं कहीं मेरे कोई कांग्रेस के मेरे भाई कहीं रास्ता उनका भटक रहा है, तो मैं उन लोगों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप पार्टी के साथ चलें, पार्टी को देखें, पार्टी है तो हम लोग हैं, बिना पार्टी के हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। पार्टी के साथ चले, और अगर आपको कोई फैलाता है, फुसलाता है कि मैं ये कर दूंगा, आप दूसरी जगह चले जाओ, एक जगह पे चलो, एक लाइन पे चलो, काम आप सबके होंगे, कुछ के रह भी जाएंगे, सारे काम होते नहीं है, लेकिन इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि आप एक विचारधारा के साथ जुड़े हैं। बाकी कांग्रेस पार्टी के बारे में अगर मैं बोलने लगूं तो सवेरे से लेकर शायद शाम हो जाएगी। राजा वीरभद्र सिंह जी के ये जो 5 साल हैं, ये अपने आप में इतिहास में एक रिकॉर्ड बनाने वाला जो ये 5 साल रहे हैं। अभी राहुल गांधी जी मंडी में आए थे तो उन्होंने एक लिस्ट वहां से उन्होंने पढ़ी थी, गुजरात का जो कंपैरिजन है उन्होंने हिमाचल के साथ किया, और उन्होंने मुझे बताया, मुझे भी इन चीजों का पता नहीं था, मैंने भी सेहत से सुना कि राजा वीरभद्र सिंह जी ने पिछले 5 सालों के अंदर हिमाचल के अंदर 70,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी, 70,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी। और भाइयों आपको आश्चर्य होगा, आपको पता है गुजरात में पिछले 5 साल में
भाजपा की सरकार रही उन्होंने कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी, मात्र 20,000 10,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी। आपको पता है आजकल हमारे देश जो है एक बड़ा संकट से गुजर रहा है। राहुल गांधी जी की स्पीच से मैंने सुना कि चाइना जो है 45,000 नौकरियां हर रोज निकालता है, हिंदुस्तान कितनी निकाल रहा है, भाजपा की सरकार 450 दिन की। तो मतलब एक उन्होंने 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का सपना दिखाया, सपना, और वो सपना तो मुझे कहीं नजर नहीं आता पूरा होते हुए। तो ठीक है, लोग एक 10 साल कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी, लोग एक बदलाव चाहते थे उस वक्त, और मोदी जी ने उस बदलाव को सजा सबर के उसको उभारा और बड़ा चढ़ा के दिखाया, और देश ने उनको बहुत भारी बहुमत से जो है उनको दिल्ली में पहुंचाया। अब उनका जो ग्राफ है वो बहुत तेजी से पिछले 3-4 महीनों से गिरना शुरू हो गया है। अरुण जेटली जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो एक्चुअली में फाइनेंस के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। ही इज बेसिकली अ लॉयर। हाँ, लॉ मिनिस्टर वो बनते तो शायद बहुत अच्छा करते। अब उनको फाइनेंस पकड़ा दिया, नोटबंदी मोदी जी ने कमरे के अंदर बैठे बैठे कर दी। जब हम ये बोलते थे कि लोगों का नुकसान हो रहा है, लोग लाइन में खड़े हो गए तो हमारा मजाक उड़ाते थे, तब बोलते थे कि कांग्रेस वालों को तो आग लग रही है क्योंकि इनके पैसे जो है ब्लैक मनी जो है खत्म हो रही है। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि ये हिंदुस्तान का क्या नुकसान हुआ है डीमोनेटाइजेशन से। ऐसे थोड़ी होता है कि आप घर में बैठे बैठे आप फैसले ले लें। किसी भी चीज को चलाने के लिए शिक्षा की जरूरत होती है, एजुकेशन की जरूरत होती है। अगर आपको पता नहीं है किसी चीज के बारे में, आप 4 लोग कमरे के अंदर बैठ के कोई फैसला कर देंगे तो देश का ये हाल तो होना ही है जो आपको अभी नजर आ रहा है, बुरा हाल है। उसके बाद GST एक अच्छा फैसला है, पर जिस तरीके से लागू किया गया है सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों को यह दिखाना था कि हम GST ले आए। इन्होंने एक इस तरीके की चीज थी कि जो हमारा नीति आयोग बनाया, वो हमारा कौन सा आयोग था, नीति आयोग, हाँ, जो हमारा प्लानिंग कमीशन था उसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया। हर चीज का नाम बदलते जा रहे हैं, चीज वही है जो कांग्रेस पार्टी ने की। जब ऑपोजिशन में थे तो बोलते थे मनरेगा तो हम खत्म कर देंगे, अभी उस मनरेगा को बोल रहे हैं सारी जगह जाके कि बहुत अच्छी स्कीम है, इसके बिना तो हिंदुस्तान चल नहीं सकता। देख रहे हो आप क्या बात हो रही है। जब विदेश जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, वहां के राष्ट्रपति के साथ बैठते हैं और वहां स्पीच देते हैं तो बोलते हैं कि हिंदुस्तान जो है दुनिया की महाशक्ति बनने की कगार पर है और अमेरिका के बराबरी पर है। क्या मोदी जी 3 साल के अंदर जो हिंदुस्तान है वो अमेरिका के बराबर पहुंच गया? इसके अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे विद्वान लोग बैठे थे, तब हिंदुस्तान यहाँ पहुंचा है। ये 3 साल के अंदर नहीं पहुंचा है। ठीक है, हमसे गलतियां भी हुई हैं, जो काम करते हैं उनसे गलतियां भी होती हैं, लेकिन अगर आप हमारा कटाक्ष करते हो तो फिर वहां वाहवाइयां भी मत लूटो। जब वाहवाइयां लूटनी होती है तो सब आपने किया, जब कटाक्ष करना है तो सारी गलतियां कांग्रेस पार्टी के पाले में। कांग्रेस पार्टी ने अभूतपूर्व विकास किया है हिंदुस्तान के अंदर और इसका कोई मतलब अब दुनिया, अब जनता ये पहचान रही है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा और मैं आशा करूंगा कि आप लोग इस इलेक्शन में बढ़ चढ़कर कांग्रेस का साथ दें, राजा वीरभद्र सिंह जी का साथ दें। और मैं ये चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो उल्टी गिनती है वो हिमाचल प्रदेश से शुरू हो। मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के बोलना चाहूंगा कि आप कांग्रेस पार्टी का साथ दें, चाहे चंबा है, चाहे डलहौजी है, चाहे भरमौर है, चाहे राजनगर है, जितने चाहे बटियात है, पूरे मैं अपने क्षेत्र की बात करूंगा, हमारे कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ चलो। और अगर कोई हमारे कांग्रेस जनों को बहरा रहा है, फुसला रहा है, तो इस बहकावे में ना आए, आप पार्टी के साथ चलो। देर सवेर आप सबका भला होगा, पार्टी का भी भला होगा
और प्रदेश का भी साथ में भला होगा। ज्यादा नहीं बोलूंगा, इन्हीं शब्दों के साथ विराम लूंगा। जय हिंद, जय चंबा।